लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं बाईपास स्थित होटल सीजन 4 में एलईडी और मॉनिटर चोरी होने का मामला सामने आया है। टीआई राजेश यादव के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने चोरों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल नगर के बाईपास रोड स्थित होटल में यहां पर चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद में कार्रवाई की गई है। तो वहीं सेगांव निवासी सुनील को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया है। ये कल दिनांक फरियादी रोहित पिता दिलीप जैन निवासी सायधाम कॉलोनी बड़वानी ने रिपोर्ट किया कि उसकी सौर्या मंदिर के पास बाईपास रोड पर फोर सीजन होटल एवं रेस्टोरेंट है। उसको वो दिनांक 18/5 को शाम को 6 बजे बंद करके आया था, और जब दूसरे दिन अपनी होटल में पहुंचा तो होटल में उसके काउंटर पर एक गोपात्र जिसमें गौ सेवा के लिए लोग दान करते हैं, उसमें करीब 300-400 रुपये रखे थे, एवं उसकी ऑफिस में एक सोनी कंपनी की 34 इंच की एलईडी टीवी और एक कंप्यूटर का डेल कंपनी का मॉनिटर चोरी हो गया है, जिसकी सूचना फरियादी द्वारा थाने पर थाने में अपराध धारा 457-380 का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी महोदय एवं एसडीओपी महोदय द्वारा पूर्व से ही नकबजनी एवं चोरी के अपराधों में सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिनके निर्देशन में मात्र 24 घंटे में ही अज्ञात आरोपी का पता लगाया जाकर घटना में चोरी गई एलईडी टीवी एवं डेल कंपनी का मॉनिटर एवं गोपात्र राशि सहित करीब 37,000 का मसूर का जब्त कर आरोपी सुनील बड़ोले निवासी सेगांव बड़वानी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, जिससे और भी चोरियों का खुलासा होने के संभावना है।